गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज 15 सितंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या हैं। सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही बन जाएंगे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी, बड़ा बदलाव। देश में 1 अक्टूबर से जन्म मृत्यु पंजीयन के नए नियम। तो आप यहाँ पर पूरी अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो को रोक करके आराम से। गाइडलाइन बदली, मानसिक कमजोर स्टूडेंट्स को भी नीट यूजी में आरक्षण। मेडिकल में अब तक ये श्रेणी शामिल नहीं थी, एनएमसी सर्कुलर में करेगी बदलाव। मानसिक रोगियों के प्रति बदलेगा लोगों का नजरिया। स्कूल ऑफ्टर स्कूल कार्यक्रम, ऑनलाइन कक्षाओं से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के विषयों का होगा शिक्षण। लाइव कक्षा के दौरान अध्ययन संबंधी जिज्ञासा को विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख सकेगा। राज्य के 311 सरकारी आईटीआई कॉलेजों में 14,144 सीटें खाली, सीधे प्रवेश शुरू, आवेदन 21 सितंबर तक। 23 सितंबर को आएगी मेरिट, 25 सितंबर से शुरू होगा नया सेशन। 9वीं की छात्राओं को ई वाउचर नहीं, अब मिलेगी साइकिल, ई निविदा जारी, जल्द होंगे टेंडर। निजी कॉलेजों की मान्यता में देरी, जेट परिणाम के बाद भी 2 माह से अटकी काउंसलिंग, अक्टूबर में 70 शुरू होगा। गूगल यूट्यूब से पढ़कर तैयार हो रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो खोले पर नए फैकल्टी नई सुविधा। सफाईकर्मी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बेरोजगारों का संशय दूर, देने होंगे प्रैक्टिकल और इंटरव्यू। हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, अब चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी अपडेट, वीडियो को रोक करके आराम से। NLU ओडिशा में 7 पद पर निकली ये भर्ती, आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 सितंबर तक। SBI में 107 पद खाली हैं। CCRUM में 174 पोस्टें पर निकली भर्ती, 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ भू भौतिकविद 2022 के साक्षात्कार 27 सितंबर से। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग की उदासीनता, कक्षा 9वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 10वीं में पहुँची 3,50,000 बेटियाँ, नहीं मिली साइकिल। बेरोजगारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, शहीद स्मारक पर धरना, बेरोजगार एकीकृत महासंघ। विश्व के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान MIT में 9% भारतीय छात्र, नामांकन में भारत नंबर 2 पर। केंद्रीय भंडार निगम में 153 भर्ती निकली, अंतिम तिथि 24 सितंबर। RS 2023 ओमार सीट में 5वां विकल्प शुरू, सब परीक्षाओं में यही होगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने का आज अंतिम दिन। परीक्षा आयोजन से पहले भ्रामक जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी RPSC। अभ्यर्थियों के डेटा से कर रहे पता, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से होगी शुरुआत। आचार संहिता के कारण अब अटक सकती है भर्ती। सांख्यिकी अधिकारी के बेहतर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू, अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन, 1 माह का समय मिलेगा। 86 लोक कॉलेजों की BCI से संबंधता मिल गई, फिर भी नहीं मिल रहे प्रवेश की अनुमति। कॉमर्स कॉलेज में 44 छात्राओं का प्लेसमेंट। RPSC परीक्षा से पहले भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। विश्व के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान MIT में 9% भारतीय छात्र, नामांकन में भारत नंबर 2 पर। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन अब 22 तक। दोस्तों ये थे आज के अपडेट, आज का चर्चा सुविचार। आज की हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। इसी के साथ दोस्तों आज के अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।